हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. यू ऑल वेलकम इन यूट्यूब चैनल ऑफ एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज. टुडे वी रीड और चैप्टर सेकंड, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज. आज हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परिवारों का पलायन. पलायन का जो अर्थ होता है वो है कि किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना. अगर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति रहता है और उसे काम धंधे की प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस स्थान को छोड़ के कहीं और चला जाता है, ठीक है, तो उसे माइग्रेशन बोलते हैं. तो अब लेसन को स्टार्ट करते हैं. मैनी फैमिलीज माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत सारे परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं. सच एज फैमिलीज संतूज. ऐसे ही जो परिवार है वो संतू का है. हिज फैमिली लिव्ड इन द विलेज. उसका परिवार गांव में रहता है. ही डिड फार्मिंग. वह खेती करता है. ड्यू टू फेमिन ऑफ कंटिन्यूस ऑफ 2 years ही फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ अर्निंग्स. लगातार 2 सालों तक सूखा पड़ने के कारण, बारिश नहीं होने के कारण उसे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है. हेंस संतू शिफ्ट टू हिज नेफ्यूज विलेज विथ हिज फैमिली एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. इस तरह संतू अपने भतीजे के गांव में अपने परिवार तथा पालतू जानवरों के साथ रहने चला जाता है. देयर ही रेंटेड ए स्मॉल हाउस एंड स्टार्ट सर्चिंग सम वर्क. वहाँ पे उसने किराए पे एक छोटा सा मकान लिया और नौकरी की तलाश करने लगा. आफ्टर सम टाइम ही गॉट द जॉब एंड सेटल्ड देयर. कुछ समय बाद उसे नौकरी मिल गई और वो वहाँ सेटल हो गया. इट वाज नॉट ईजी टू लिव देयर. ही मिस्ड हिज ओन विलेज. वहाँ पे रहना उसके लिए आसान नहीं था. वह अपने गांव को मिस कर रहा था. ही गॉट द न्यूज ऑफ गुड रेन दिस ईयर इन हिज ओन विलेज. उसे इस साल अपने गांव में अच्छी बारिश होने की खबर मिली. नाउ ही शिफ्टेड टू हिज ओन विलेज विथ ऑल. अब वह अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ वापस शिफ्ट हो गया है. धीरज हैड ए सन एंड ए डॉटर. धीरज का एक बेटा और एक बेटी है. ही वर्क एज डेली बेसिस लेबर इन विलेज. वह गांव में दैनिक मजदूर के रूप में काम करता है. हिज सन स्टडीड इन 12th एंड डॉटर इन 10th क्लास. उसका बेटा 12th क्लास में पढ़ता है और उसकी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है. When his son cleared the 12th class, he had to send him city for higher education. जब उसका बेटा 12th पास हो गया तो उसको उच्च शिक्षा के लिए शहर में भेजना पड़ा. He thought if he and his son had lived separately in village and city, then he had to pay double for each thing of
living, and after 2 years his daughter will also ready for higher education. उसने सोचा अगर वह और उसका बेटा गांव और शहर में अलग अलग रहेंगे तो उसे दैनिक जो वस्तुएं हैं उसके लिए दुगनी कीमत देनी पड़ेगी और 2 साल बाद उसकी बेटी भी हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो जाएगी. सो ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू सिटी एज ही वाज ए डेली बेसिस लेबर एंड कैन डू सेम वर्क एनीवेयर. इसीलिए उसने शहर की तरफ जाने का सोचा और दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करने के बारे में सोचा, इसलिए क्योंकि वह कहीं पर भी अपना कार्य कर सकता था. When he came to city, then face the problem of rented house. जब वह शहर आया तो उसने किराए के मकान के लिए प्रॉब्लम हुई. एज द हाउस रेंट्स फॉर वेरी हाई इन मेन सिटी सो ही टुक द हाउस एट सम डिस्टेंस ऑफ सिटी. शहर में मुख्य शहर में जो मकान होते थे उनका किराया बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने शहर से कुछ दूरी पर मकान लेने का सोचा. ही गॉट न्यू नेबरहुड, उसे नए पड़ोसी मिले. ही हैड टू डू हार्ड लेबर फॉर अर्निंग, उसे कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, कठिन परिश्रम करना पड़ता था, तब जाके वो पैसे कमा पाता था. एक्सपेंडिचर्स ऑफ सिटी लिविंग वर हाई सो ही स्टार्टेड द वर्क ऑफ नाइट वॉचमैन टू. शहर में रहने के लिए जो खर्चा होता था वह बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उसे रात के चौकीदार की नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि शहर में उसने जो नया घर लिया था वहाँ पे जो सामान वगैरह लेने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे. When his children completed their studies, he decided to shift again to his own village. जब उनके बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसने अपने गांव जाने के बारे में सोचा. ओके, तो आज की क्लास ओवर होती है. नेक्स्ट पार्ट इसका अगली क्लास में पढ़ेंगे.